हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंसा टेक पे। दोस्तों आज की मैं वीडियो मत करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबे समय से इंतजार करने बैठकों के इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आज हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आर्डर जारी हो गया है। अब इन अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, अब इन अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। ठीक है, बात करने वाले कौन से अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों आपको पता होगा, जो आंसर के वाले अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट से जीत चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया वो चालू नहीं चुकी। लेकिन अब यहाँ पर जो है उनके द्वारा एक कंटेंप्ट फाइल की गई थी और उस कंटेंप्ट फाइल की जो सुनवाई है वो आज हुई है, और उस सुनवाई का जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया है कोड नंबर 10 केस कंटेंप्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 73/27/2022 एप्लीकेंट्स KM अलका दुबे अपोजिट पार्टी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया हनीवल रोहित रंजन अग्रवाल जस्टिस हेयर लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स। इट इज अलेज दैट द ऑर्डर ऑफ रिट कोड हैज बीन वायलेटेड फ्रॉम ए पर्सुअल ऑफ द रिकॉर्ड ए प्राइमा फेसिस केस ऑफ कंटेम्प्ट इज मेड आउट इशू नोटिस टू अपोजिट पार्टी रिन्यूअल विद इन ए मंथ लिट दिस मैटर ऑन द डेट फिक्स्ड इन द नोटिस हाउएवर वन मोर अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू द अपोजिट पार्टी टू कंप्लाई विद द ऑर्डर विद इन ए मंथ एंड फाइल द एफिडेविट ऑफ कंप्लेंस विद इन द एफेसेड पीरियड और इल्स चार्जेज मे बी फ्रॉम आफ्टर सबमिटिंग द नोटिस। द नोटिस नीड नॉट अपीयर एट दिस स्टेज। द ऑफिस मे सेंड ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलॉन्ग विद द नोटिस डेट ऑर्डर 2/12/22 कजुअल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कंटेंप्ट फाइल की गई थी अभ्यर्थियों द्वारा उसका यहाँ पर जो सुनवाई की जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हो गया है, और ऑर्डर अप में स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी यानी जो अनिल भूषण चतुर्वेदी है उनको यहाँ पर जो है एक महीने का समय देती है कोर्ट, एक महीने के अंदर किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना है आप तय कीजिए, अदरवाइज स्वयं कोर्ट तय करेगी और उसके लिए जो भी चार्जेज होंगे वो भी अप्लाई कर देगी। यानी यहाँ पर जो है अगर एक महीने के अंदर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता जो 1 नंबर 5 अभ्यर्थी हैं, तो जो सचिव हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है कोर्ट स्वयं कार्रवाई करेगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बड़ी अपडेट है कि जो 1 नंबर 5 अभ्यर्थी हैं उनको अब एक महीने का इंतजार करना होगा, और एक महीने के अंदर विभाग द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कार्य किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, कंटेंट फाइल पर आदेश है। अब कोर्ट के इस ऑर्डर का विभाग को पालन करना ही होगा। संभावना यही है कि इसी महीने के अंत तक ये जो 1 नंबर 5 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जल्द ही ये लोग बेसिक में होंगे। बात करने वाले 800 के संबंध में दोस्तों, यहाँ पर उनकी जो डेट लगी है वो 6 तारीख डेट लगी है। संभावना यही है कि 6 तारीख अंतिम डेट होगी और 6 तारीख को इन अभ्यर्थियों के जो ऑर्डर वो भी जल्द होने की संभावना पूरी है। जैसा भी होगा, जो भी होगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जो 1 नंबर 5 अभ्यर्थी हैं उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्यक्रम है वो जल्दी जारी होने वाला, लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप